जो उसकी अंदरूनी शक्ति है वो तो विचार, विचार अगर अच्छे हैं तो भाषा। अब मैं तो गाली गलौज बहुत बड़ा तो उनको तो बैठे ये तो भाषा ही है ना, इसी को प्रिजर्व करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। अगर भाषा है, भाषा वही अच्छी है जिसके विचार कल्याण रखो तो समाज के लिए होगी हो, है ना। तो हम वैसी बातों को लेकर के जब पूरे परिदृश्य को, पूरे मान्य भारतीय अंचल को देखते सारी भाषाओं को, और उसमें जो बढ़िया है अब बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन क्या है एक भौगोलिक परिवेश है, एक उसका अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह की खूबसूरत वादियाँ हैं वैसे हमारे यहाँ नहीं है। अब वहाँ का जो एक साहित्यकार है वो तो वहाँ का वर्णन करेगा तो उसमें बहुत ही स्वाभाविक रूप से सुंदर आ जाएगा। हम चूंकि यहाँ बैठे हैं, हमने जो यहाँ का चित्रण है हम तो वही करेंगे, इसलिए यहाँ वाले लोकैलिटी की जो चित्र की जो विशेषता होगी वो हमारे साहित्य की विशेषता होगी। मैं जो लिखूंगा उसको वो चीज पानी की है, आनी चाहिए यहाँ पर, मैंने कह दिया चाहिए आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर हैं, अगर आप यहाँ रहकर भी वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब कमी साहित्य की नहीं, कमी आपके लेखन की कमी, आप यहाँ की धरती से नहीं जुड़े, आप यहाँ के लोगों से नहीं जुड़े, है ना, इसलिए आपको वो चीज़। तो हम लोग कहते हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, आप यहाँ पर साहित्यकार जहाँ भी है उसका एक पहला कर्तव्य है कि वो वहाँ की धरती से जुड़े, समाज से जुड़े, वहाँ के विचारों से जुड़े, और उसके बाद उसमें कुछ नया उसको जो दिशा देनी है ना उसको वो दे। गलत क्या आपकी किताबों के अलावा मैंने कुछ कहा, मैं वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे साहित्यकार, जो हमारे गुरुजन, जो हमारे मित्र और जो हमारा अनुभव, अब लिखने का मेरा इतना अनुभव, उस अनुभव ने भी मुझे सिखाया कि भाई तुम पंजाबी हो, तुम्हारी भाषा है पंजाबी का कहज है, तो तुम फिर हिंदी में तो लिखते हो, इस सवाल का आपको प्रश्न जवाब वो मान लीजिए आप गुजराती और आप हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी का दिल तो आप कड़ी है, आप हिंदी में लिख रहे हैं तो नहीं है आपने अगर हिंदी में लिखना शुरू कर दे और उससे उसे क्या गुजराती क्यों नहीं लिखते, हिंदी क्यों लिखते, आप क्या जवाब क्यों? भाई सर है और कोई कारण? अब मैं अपना कारण बताऊं कि मेरा क्या डबल मुश्किल हो जाएगी। और उसके अलावा और भी हो सकता है कि मनी छोड़ो यार क्या है, है ना, ये यार इतनी मेहनत आपने क्या करा, प्रयास कर लागो जिसमें कम से कम मेहनत है। आप देखिए जब बोलने में हम इतनी करते हैं प्रयास कर लागो का सिद्धांत करता तो लिखने में कितना ज्यादा तो क्या लिखना है। और मैं समझता हूँ कि ये यही बात मेरे साथ हुई जब मुझसे कहते हैं तो उपन्यास क्यों नहीं लिखा, उनको सबसे कविता लिखा, मेरे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं संजीव, नाम सुना
संजीव बिंदी बहुत अच्छे कथाकार है ना, तो मैं छोटी छोटी कहानियां लिख लिख लेता था जो कहते हैं लव करता, और उसमें बताया पढ़ते इतनी अच्छी कथा है, इतनी बड़ी कहानी, इतनी बढ़िया है यार, छोटी छोटी कहानियां बड़ी कहानी मतलब एक अपने आप बड़ी मेहनत बड़ी बात है कि अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो कैसे आप कर लो। तो आप देखिए भाषा और विधा है ना, एक भाषा तो दूसरी भाषा में एक्सप्रेस करना मुश्किल वाला काम है क्योंकि आपको वो अभ्यास, उसी तरह से दूसरी विधा में लिखना आपके लिए मुश्किल वाला काम है क्योंकि आपको अभ्यास है। तो मैं आ रहा हूँ अभ्यास, सारी चीजें तो विचार वगैरह मंथन अपलोड करेंगे, लेकिन अब जहां से व्यक्त करने की बात है तो वहां पर चाहिए। अब अगर आप नहीं अभ्यास करोगे तो आप बहुत सी बातें हैं, मेरी माँ बहुत सारी खाने शरीर क्या है, तो जो जो मिला उसे लिखने का वो माँ से ले कहने को सुना दी वो चीज आ गई, वो थोड़ा बहुत लिख पड़ गए। तो कहने का अर्थ यह है कि वो अभ्यास बहुत जरूरी है, इसलिए अगर गुजराती होकर के आप हिंदी में लिख रहे हैं तो एक कारण तो ये हो सकता है कि मुझे हिंदी में सरलता हो रही है ना, और दूसरा कारण हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि क्योंकि राष्ट्रभाषा है उसका बड़ा मार्केट है, मैं लिखूंगा तो और मेरा बेरोजगार ही बढ़े, इसलिए मैं सायास लिखना हूँ, यानी कि मेहनत कर रही हूँ अभ्यास कर रही हूँ। और सबसे जो होता है मेरी मातृभाषा नहीं थी क्या हुआ, फिर अभ्यास कर रही हूँ क्या कहते हैं रसरी आवत जानते सिर पर पड़े इंसान है, तो जो मेहनत करेगा तो वही है, इसलिए हमारे बुजुर्ग जो है वो मेहनत भी करवाते थे है ना। अब थोड़ा सा मैं इसे अंतर कर रहा हूँ कि आजकल अगर मेहनत बच्चों से नहीं कर रहा शिक्षा पद्धति आ गया कि सौ शब्दों में SMS जैसे लिखते हैं ना शॉर्टकट नहीं करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं सौ शब्दों में शब्द सीमा, हमारे जब लोग मेरे पढ़ते लोग मेरे से चार पेज से नीचे कोई लिखते नहीं होमवर्क मिलता था समर वेकेशन का 50 लेख नाम लिखा कोई भी लेख चार पेज से नीचे, उसी तरह हिंदी वाले तो लिखना है वो जितना लिखे जा रहा है पूरी क्लास में जो सब जा रहे हैं वो तो जा उसका कारण होता है उसे उसका अभ्यास करवाते तो लिखो बिना लिखे तुम भाषा को क्या तुम लिखना ही नहीं चाहोगे, सौ शब्द लिखना चाहोगे तो बात कहाँ से आएगी, मुझे याद है पहले वाले नंबर है एक ही लेख आ रहा था 50 नंबर का, और उसके ये मतलब कितनी कापियाँ सप्लीमेंट्री से ले रहे थे दूसरी क्लास से पूरा एक ही लेख है लेकिन पूरे 3 घंटे आपको दूसरी क्लास में लेकर पहले सप्लीमेंट्री कंप्लीट उसी पर आपका मूल्यांकन। तो कहने का मतलब पहले वो अभ्यास हमारी शिक्षा का एक प्रोग्राम शिक्षा में इनबिल्ट था कि अभ्यास अगर दिन करो बिना एग्जाम के करे करोगे तो इसलिए वो इनबिल्ट होता था। और बच्चे जब छोटे होते थे ना तो पहाड़े जैसे मैं बड़ी सारी चीजें जाते पहाड़ खड़े हो नहीं अगर नहीं आ रहा तो बेंच पर खड़े हो अब बेंच पर खड़े हो क्या पहाड़े पढ़ो ठीक है ऊंचे ऊंचे हमारी जो पूरी क्लास ही जो है वो तो पूरी क्लास खड़ी हो जाती पढ़ रहे और पूरी क्लास जो है पीछे पीछे तेरह का पहाड़ा सुबह जब तक व्यक्ति खत्म हो तब तो तेरह का पहाड़ा याद है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ हम लोगों ने भी अपनी शिक्षा में मैंने ऐसा सुधार कर दिया जो नकली उधर से विदेशियों ने जो भेजा वो हम लोगों ने कर दिया कि भाई किसी को हाथ नहीं लगाना है
किसी बच्चे को कुछ छूना तक नहीं है, डांटना भी नहीं है, उसका मनोवैज्ञानिक विकार पैदा हो जाएगा, उसे पढ़ाना है तेरा का पहाड़ा पढ़ाना है। अगर थोड़ा बहुत बेंच पर खड़ा करके एक आध लगा भी दिया तो उसको पहाड़ा तो याद हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे बुद्ध लोग हैं उसके हिसाब से आप जो हमारे अंदर के जो चीजें थी ये भी साहित्य से जुड़ी हुई, साहित्य भी इसी तरह से हम लोग को रटाया जा रहा है जैसे पहाड़ अंताक्षरी अब आप लोग नहीं खेलते नहीं, अंताक्षरी साथ गायब भी हो गए, हम हमारे यहाँ अंताक्षरी खूब होती थी, मनोरंजन भी होता था और याद भी होती थी, है ना, कविताएं भी खूब याद हो जाती थी किसी बार में। तो ये जो अभ्यास वाली परंपरा है कविताओं को याद करने की, आप देखिए बंगाल में भी चले जाए तो एक उनका चलता है आवृत्ति, है ना, कविता की आवृत्ति। और इतनी बढ़िया वो लड़के लड़कियाँ माने किसी की कविता मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है उसको पढ़ करके सुनाएंगे और इतने लयात्मक और राष्ट्रभाषा है इसलिए मैं लिखना कर सकता, मैंने भाई अपनी सहूलियत देखी बचपन से और मुझे अच्छा सरलता से मैं उसमें व्यक्त करने लग गया। और आप पंजाबी लिखते हैं लिखना है, कई बार ऐसी चीजें होती है बता रहा हूँ वो चीज जो है वो आप लिखी है परंपरा की, वहाँ की मिट्टी की, वहाँ की आबहवा की, वहाँ के पूरी समझे परिदृश्य की, वो आप उसको एक एक शब्द जो होता है वो उसे जुड़ा हुआ होता है, हर शब्द का एक आप देखेंगे इतिहास होता है, सब का कहना होता है उसके साथ बहुत सारे होते हैं, उसका अपना एक सर्कल होता है और वो जो गुजराती भाषा उसमें वो सारी चीजें छुपी हुई है और उसको अगर आप इन दो को ट्रांसलेट कर रहे हैं अनुवाद कर रहे हैं तो आप भी कर पाए। इसलिए जब मैं पंजाबी कोई ऐसी बात आती है जो कि बिल्कुल उस तरह की है उसे हिंदी में प्रकट करना कुछ भी होता है तब फिर मैं उसे पंजाबी में ही भेज पाया क्योंकि अब वो सारा उससे जुड़ी हुई तो पिछले दिनों में आपने वो डायरी देखा तो मुझे पन्ने पर एक कविता लिखने को मिली वो पंजाबी में, और खुद लिखी तो देखा वो उस कविता का नाम पगड़ी, मेरे अनुभव का हिस्सा है। अब उसको चाहे हिंदी में उतनी अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पा रहा तो वो ऑटोमेटिक जो है पंजाबी में तो एक कवि जो है और मैं कवि के रूप में आपके सामने रूबरू है ना, मैं रजनी चावला हिंदी का सेवक आपके सामने प्रस्तुत अपनी नई किताब जो बैठक को मैंने दी है ना वो है महज भीड़ नहीं खोलकर, ये किताब महज भीड़ नहीं कलकत्ता, कलकत्ता मुझे रहने का मौका मिला तो एक तो मैंने बैठक सुनी है और हमारे दिलाना सर है उनको भी,
और एक प्रति मैंने रखी है आपके श्रीमती हंसा देवता कल्याणी वहां भी एक प्रति का रख, और मैंने बहुत पहले भी अपनी जब मैं आपने किताब जो आती है लाइब्रेरी में दे देता हूँ कि भाई सब सुरक्षित है, अगर किसी व्यक्ति को इसमें रुचि करती है रिसर्च करने की अथवा पढ़ने की है ना तो उसे पढ़ ले, बाकी किताबें भी पढ़ ले, उसे लोग बताएं भी हैं कविताएं भी है ना, तो इस तरह से करके एक कवि के नाते अगर आपके सामने अपनी कुछ बात है ना जो अंदरूनी बात है वो बताने जा रहे हो शेयर करूँगा। इसी देर तो मैं आपको आम जो आप पढ़ते हैं वो है ना, लेकिन अब हर भाषा की विशेषता होती है उसी तरह से हर साहित्यकार की विशेषता होती है। आखिर माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी ही क्यों है, अज्ञेय कवि बन गए है ना, सब एक ही काम में आप लिखने लिखने वाले एक ही पीरियड में लिखने वाले हैं, अलग अलग ढंग से लिख रहे हैं नहीं आपने देखा एक ही घटना है, मान लीजिए 15 बच्चों को बैठा दें और एक पूल सामने रखते हैं कि भाई ये पूल है इस पर आप कुछ लिखिए, जा अलग अलग ढंग से लिखिए। और यही बात चित्रकारी में भी है, चित्रकला जो करते हैं वो भी आप लिखिए, उनकी अभिव्यक्ति जो है वो भी अलग अलग। तो विविधता जो है ये प्रकृति का नैसर्गिक, कोई भी व्यक्ति एकदम एग्जैक्ट नहीं है, याद पता कि जुड़वा होते हैं वो भी एग्जैक्ट रेप्लिका है, इसलिए सबके अलग अलग सबके अलग अलग एक्सप्रेशन एक ही थॉट पर अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, और इसको आप लोग हो सकता है उसको पढ़ेंगे परसेप्शन कॉग्निशन ये चीज़ें आपको दोनों विज्ञान में पढ़ाएंगे किस तरह से हम कंसीव करते हैं किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं सब ये नहीं आते, सिर्फ अपनी वो ही बात कि कलकत्ता जो है महानगर है, किसने कलकत्ता का नाम नहीं सुना है सब, और भारतवर्ष की पहली जो राजधानी थी अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पहली राजधानी कलकत्ते में बनाई, कलकत्ते में क्यों बनाई थी उन्होंने की राजधानी दूसरी एक क्यों बनाई थी जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग फूट होता है जो हमारी सारी सेना और हमारे सारे धन भंडार है ना, हमारी जहाँ मैन पावर हमारी जहाँ इंटेलिजेंस जहाँ पर है हम वहाँ से भी शासन करते हैं, अंग्रेजों ने बड़ी किया कि वहाँ हमने फोर्ट विलियम का बड़ा बनाया सेना रखी और वहीं से फिर वो भारतवर्ष पर शासन उन्होंने करना शुरू किया उसको। तो कलकत्ते की बहुत ही खासियत है, जैसे एक ट्राम है, ट्राम अब वो भारतवर्ष पर कहीं नहीं होगी, बोलिए कलकत्ते ट्राम देखना हो तो भाई लोग जाते हैं ट्राम देखने के लिए, दिखाने के ट्राम कैसा होता है तो चलिए चीज़ें कलकत्ते में अभी भी मौजूद है, उन्होंने इंटैक्ट रखी है उस तरह प्लानिटेरियम में बिल्डर प्लानिटेरियम भारतवर्ष पर मुझे उस स्तर का दूसरा प्लानिटेरियम बढ़िया होता है, मैं तो इस से कलकत्ता महानगर है और वहाँ जब मुझे जाने का मौका मिलता है बड़ी मतलब एक कभी होने के नाते वो प्रभाव से होती है, कल मैं थोड़ा जल्दी आया तो चार कदम बरसात हो रही थी तो उनको ध्यान से वो कविता बनी वो आपको सुना रखा है, जो कवि मन है वो जहाँ जाता है वो थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ते हैं वो कुछ सीखने की बात हो गया है इस लगने, तो वैसा हुआ कलकत्ते कलकत्ते जाना पड़ा, ये कविताएँ जो है लगभग कलकत्ते पर ही तो जब आप पहली बार जाएंगे तो पूरे भेड़ी है तो समुंदर है बिल्कुल खोपड़ियाँ देखी पूरी जब आप प्लेटफॉर्म बाहर निकलोगे पूरा एकदम माने जन जन समुद्र चला जाता है, तो सिर्फ क्या ये कलकत्ता या इसके अलावा कुछ है, फिर ये जो है मैं कोई नाइन लिखता है ये शीर्षक जो है कि हमारी कल्याणी यूनिवर्सिटी है और ये
यूनिवर्सिटी वहाँ भी हिंदी विभाग है, अच्छा हिंदी विभाग और वहाँ सारे ज़्यादातर बंगाली हिंदी साइड है, और वहाँ की जो विभाग है उन्होंने स्वीकार पढ़े। अब आ जाता हूँ मैं वो बताने के लिए जिसका कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वडोदरा क्या था।